सो भाई लोग, एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं या इसे लेने का सोच रहे हैं तो आप सभी के लिए गुड न्यूज आ चुका है। तो क्या है वो गुड न्यूज, वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको आरबीआई के जो न्यू गाइडलाइंस है कार्ड नेटवर्क स्विच करने का, उसके बारे में आपको जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप इस पूरे प्रक्रिया को समझ पाएंगे। देखिए, आरबीआई का गाइडलाइंस आया था कि जितने भी बैंकिंग उन सभी को ये ऑप्शन देना है कि यूजर अपनी चॉइस का नेटवर्क ले सके किसी भी क्रेडिट कार्ड का, और ये जो रूल्स है 6 सितंबर तक सभी बैंकों को लागू कर देना चाहिए था। तो इसमें टॉप पर जो बैंक है वो यस बैंक है। यस बैंक जो है अपने क्रेडिट कार्ड को डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पर प्रोवाइड करने लग चुकी है। इसके अलावा बीओबी बैंक भी प्रोवाइड करने लग चुकी है। एक्सिस बैंक भी कर रही थी, बट वहां पर कुछ इश्यूज वगैरह थे, जैसे कि कुछ क्रेडिट कार्ड ही वो रुपए नेटवर्क में इश्यू कर रही थी, सभी क्रेडिट कार्ड को रुपए नेटवर्क में इशू नहीं कर रही थी। देन कुछ दिनों बाद में क्या किया कि वो दो नेटवर्क पर ही इशू कर रही थी, लाइक मास्टर कार्ड और रुपए कार्ड। यहां पर आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो, माइजन क्रेडिट कार्ड जो है ये मास्टर और रुपए नेटवर्क में ही चूज करने का ऑप्शन दे रही थी, दूसरे नेटवर्क में चूज करने का ऑप्शन नहीं दे रही थी। बट फाइनली अब जो है सारा कुछ शॉर्ट आउट हो चुका है। अब जो है आप एक्सिस बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएंगे। लाइक आपको वीजा में लेना है, वीजा में ले सकते हैं, मास्टर में लेना है, मास्टर में ले सकते हैं, रुपए में लेना है तो रुपए नेटवर्क में आप ले सकते हैं। इसके अलावा नो प्रेफरेंस का भी आपको ऑप्शन मिलेगा, यानी टोटल 4 ऑप्शन मिलेंगे। नो प्रेफरेंस का मतलब हुआ कि आप अपना कोई चॉइस नहीं रखना चाहते हैं, बैंक आपको खुद से ही अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वो नेटवर्क सेलेक्ट करके दे देगी, तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर जो आपका स्पेसिफिक नेटवर्क है, लाइक आपको रुपए नेटवर्क में ही चाहिए वो क्रेडिट कार्ड, तो आप उसे सेलेक्ट करके आगे का जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फाइल करेंगे तो आपको वो क्रेडिट कार्ड सेम नेटवर्क में मिल जाएगा जिसे आपने सेलेक्ट किया था। तो अब जितने भी यूजर एक्सिस बैंक के न्यू क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन फाइल करेंगे उनको ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप भी अगर एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, मैंने वहां पर लिंक दे दिया है। रिसेंट में फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, एयरटेल एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, नियो क्रेडिट कार्ड काफी ज्यादा अप्रूव हो रहे हैं, तो आप इन्हें लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, जो नेटवर्क स्विच करने का जो ऑप्शन है सिर्फ वही बैंक प्रोवाइड कर सकती है जिनके क्रेडिट कार्ड के 10 लाख से ज्यादा यूजर्स हैं। जो बैंक अभी तक 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू नहीं किए हैं वो अपने पसंद के ही नेटवर्क में यूजर्स को क्रेडिट कार्ड दे सकती है। इसके अलावा वो बैंक जो खुद का बैंक भी है और खुद का ही नेटवर्क इशू करते हैं उस पर भी ये जो आरबीआई के गाइडलाइंस लागू नहीं होंगे। जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस जो है खुद का ही क्रेडिट कार्ड इशू करती है और खुद का ही बैंक है, तो ये गाइडलाइंस उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कुछ लोगों का एक और सवाल हो सकता है कि जो न्यू यूजर है वो तो चलो अपना नेटवर्क सेलेक्ट करके क्रेडिट कार्ड का एप्लीकेशन फाइल करके ले सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड यूजर है जिनके पास में पहले से क्रेडिट कार्ड है उनके पास क्या ऑप्शन है कि उस क्रेडिट कार्ड को चेंज कर सके? देखो, आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला तो आप एक बार कस्टमर केयर में कॉल कर सकते हो या मेल करके उनको बोल सकते हो कि आप अपना नेटवर्क स्विच करना चाहते हो। तो बहुत सारे केसेस में क्या हो रहे हैं कि नेटवर्क स्विच करने का ऑप्शन जो है मेल या फिर कॉल पर ही उन्हें दे दिया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन जो कि आरबीआई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है वो ये कि जब आपका क्रेडिट कार्ड का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, फिर से जब ये क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाएगा उस टाइम आप अपने नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन ले सकते हैं, यानी आपका पहले से क्रेडिट कार्ड वीजा में होगा तो उसे आप रुपए नेटवर्क में स्विच करवा के ले सकते हैं। आपको उस टाइम जो है कॉल के बिना भी ये बताया जाएगा कि आप सेम नेटवर्क में लेना चाहते हैं या दूसरे नेटवर्क में स्विच करना चाहते हैं, तो आप अपनी चॉइस बता सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो क्रेडिट कार्ड का नेटवर्क है चेंज कर दिया जाएगा। सो ये गुड न्यूज आया था एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए, जो मुझे आपको सबसे शेयर करना था। आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही दोस्तों को बताना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।